So in this video, I am discussing some question of your study material. Questions related to domain of the function. देखो C2 का second part, under root of sine of cos x. I have already discussed, but कुछ लोगों के समझ में नहीं आया था, तो फिर मैं फिर से उसे discuss कर रहा हूँ. देखो under root of sine of cos x. Sine of cos x is positive. मतलब under root के अंदर अगर कोई भी expression है, तो वो कब define होगा? जब वो positive होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन ऑफ कॉस एक्स पॉजिटिव होना चाहिए. अच्छा अब यह बताओ कि साइन ऑफ समथिंग, अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि साइन ऑफ समथिंग इज पॉजिटिव, तो वो समथिंग पे डिपेंड करेगा. समथिंग मींस एंगल. साइन के अंदर वो कौन सा एंगल है, साइन कहाँ पॉजिटिव होता है. देखो जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसे साइन का ग्राफ अगर आता है, जैसे साइन का ग्राफ ऐसे आता है, तो देखो साइन इन एंगल्स पे, जैसे यहां से लेकर ये जो एंगल आ रहा है, ये एंगल पे पॉजिटिव है. साइन यहाँ जीरो से पाई में पॉजिटिव है, फिर ये टू पाई से थ्री पाई में पॉजिटिव है. ये वाले एंगल्स पे साइन पॉजिटिव है. तो साइन एक्स कहाँ पॉजिटिव होता है, तो देखो जीरो से टू पाई, मतलब चले जीरो से टू पाई में मैंने चेक किया, तो जीरो से पाई के अंदर साइन एक्स का जो वैल्यू आ रहा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहा है. अब इसको जनरलाइज कर सकते हैं 2n पाई से लेके 2n पाई प्लस पाई, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट इंटरवेल में पॉजिटिव आ रहा है. तो फर्स्ट यू हैव टू चेक इन पीरियड. साइन एक्स का पीरियड कितना होता है, 2π. तो किसी भी 2π इंटरवल में चेक करो कि वो साइन एक्स कहां पॉजिटिव आ रहा है, फिर उसे जनरलाइज कर दो 2n π से, 2n π ऐड कर दो, तो वो सेट. तो साइन एक्स पॉजिटिव हो रहा है मीन साइन एक्स के जो अंदर एंगल है वो मैटर करेगा, वो बताएगा कि साइन एक्स कब पॉजिटिव है. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि साइन ऑफ समथिंग इज पॉजिटिव. तो जो समथिंग है वो इस एंगल में होना चाहिए जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं, कि जीरो से पाई या फिर टू पाई से थ्री पाई, ऐसे इंटरवल जहां साइन पॉजिटिव होता है. बट साइन के अंदर तो एक कोई वैल्यू है, साइन के अंदर एक एंगल्स है कॉस एक्स. तो कॉस एक्स यहां पे एंगल, इसका आर्ग्यूमेंट काम कर रहा है. तो कॉस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स खुद माइनस वन से वन होता है. तो कॉस एक्स का जो वैल्यू है वो तो माइनस वन से वन है. अब इसको एंगल में अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो माइनस वन से वन मतलब ये तो रेडियन में है, तो अप्रॉक्स साइन के अंदर जो बैठा है वो माइनस 57 डिग्री से लेके 57 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है. मतलब ये देखो कि साइन एक्स के अंदर यहां पे सपोज कि ये माइनस 57 कोई एंगल है और ये कोई 57 है यहां से लेकर यहां, तो माइनस 57 से लेकर 57 के बीच में ये जो ग्राफ आ रहा है यहां पे, ये जो ग्राफ आ रहा है 57 से माइनस 57 से 57 में, इसमें जीरो से 57 के बीच में साइन पॉजिटिव आ रहा है, और माइनस 57 से जीरो के बीच में तो साइन नेगेटिव आएगा. तो वो उसकी डोमेन डिफाइन होने के लिए वो साइन कौन सा वैल्यू लेगा, जीरो से वन. तो जीरो से वन मतलब कॉस एक्स, जो कॉस एक्स का वैल्यू है वो होगा जीरो से वन होगा, तो यहां पर ये डिफाइन हो जाएगा. मतलब साइन समथिंग पॉजिटिव हो जाएगा जब ये समथिंग जीरो से वन में होगा, क्योंकि वो माइनस वन से वन हो सकता है इसे जो अंदर बैठा है. अब वो जीरो से वन होगा तो साइन जीरो से वन में पॉजिटिव आएगा. अब कॉस एक्स जीरो से वन होना चाहिए बस. अब क्वेश्चन जो रह गया वो इतना रह गया कि मुझे ये सॉल्व करना है कि कॉस एक्स लाइज जीरो टू वन. अब कॉस एक्स का ग्राफ बनाओ. देखो ये कॉस एक्स का ग्राफ बन रहा है, मैं आई हैव टू चेक कि कॉस एक्स कब जीरो से वन लाई कर रहा है. अब फिर से एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसको तुम चेक कर रहे हो कि वो कितने के बीच में लाई कर रहा है, तो पीरियड में चेक करेंगे. कोई भी 2π इंटरवल, जैसे 0 से 2π भी मैं ले सकता हूं, 0 से 2π भी ले सकते हैं कोई भी इंटरवल. लेकिन अगर मैं 0 से 2π सपोज लेता हूं, ये 0 से 2π लेता हूं, तो तुम 0 से 1 कब लिखोगे, 0 से 1 लिखोगे तो 0 से पाई बाय 2, एक पाई से एक 3π बाय 2 से लेके 2π के बीच में, तो दो इंटरवल आ रहे हैं, मतलब यूनियन लगाना पड़ रहा है. लेकिन अगर माइनस पाई से पाई ले रहे हो तो एक बार में लिख दोगे कि माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 आ रहा है, वो तो कोई भी इंटरवल ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. तो माइनस पाई से पाई मैंने इंटरवल लिया जिसमें माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में कॉस एक्स का जो वैल्यू आ रहा है वो जीरो से वन आ रहा है. तो कॉस एक्स जीरो टू वन मतलब एक्स लाइज माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2. बट ऐसे तो बहुत सारे इंटरवल है, इन्फाइनाइट ऐसे इंटरवल आएंगे. तो फिर जनरलाइज कर देंगे 2n π बोथ साइड एड. तो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो भी इनक्वालिटी है वो रिलेटिवली थोड़ी सी ग्राफ पे डिपेंड करेंगी. थोड़ी सी ग्राफ सही से आते हैं तो फिर ज्यादा दिक्कत नहीं होगी. तो ग्राफ थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री के रिवाइज करें अच्छे से. देखो अनदर क्वेश्चन C2 का सिक्स पार्ट, लॉग ऑफ टू, लॉग ऑफ एक्स माइनस टू टू द बेस 2, और यहां पर लॉग ऑफ 3x - 1 टू द बेस 1/2 अंडर रूट के अंदर आ रहा है. अब इस क्वेश्चन को डिफाइन होने के लिए अंडर रूट के अंदर ये जो भी आ रहा है ये दैट शुड बी पॉजिटिव. अच्छा अब बेस में इसको 2 की पावर -1 लिखा मैंने, जैसे लॉग में यहां पे पहले मैं 2 की पावर -1, और ये बेस वाली प्रॉपर्टी जो होती है यहां पे लॉग की प्रॉपर्टी, उससे ये माइनस वन बाहर आ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा माइनस. अच्छा माइनस आते ही इधर इनक्वालिटी का साइन चेंज, तो ये रहेगा माइनस से डिवाइड कर दिया. अब इस पूरे क्वेश्चन को डिफाइन होने के लिए मतलब पहले तो सबसे पहले तो ये पॉजिटिव होना चाहिए,
इसके बाद माइनस से डिवाइड कर दिया, मतलब ये नेगेटिव होना चाहिए। अब लॉग खुद अपने आप पे कब डिफाइन होता है कि पहले तो ये x माइनस टू जो है जो लॉग का आर्ग्यूमेंट है ये पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, ये x माइनस थ्री एक्स माइनस वन ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे x माइनस टू पॉजिटिव होगा तो x टू से ग्रेटर होना चाहिए, थ्री एक्स माइनस वन पॉजिटिव होना चाहिए तो x ग्रेटर देन वन बाई थ्री होना चाहिए। अब थ्री एक्स माइनस वन को वन भी नहीं कर सकते, थ्री एक्स माइनस वन को वन भी नहीं कर सकते क्योंकि लॉग वन जीरो हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो एक्स थ्री एक्स माइनस वन वन नहीं होगा तो एक्स टू बाई थ्री भी नहीं हो सकता। अच्छा ये कंडीशन लगाते जा रहे हैं। अब ये वाला एक्सप्रेशन नेगेटिव होना चाहिए ये जो है यहां पर लॉग के समय। तो अब देखो अगर ये ऐसे लिखा है, सपोज कि ए बाई बी, सपोज कि ऐसे लिखा है ए बाई बी लेस देन इक्वल टू जीरो, तो अब ये तो ए लेस देन इक्वल टू बी भी हो सकता है और ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि बी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। बी अगर पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, अगर बी नेगेटिव है तो मल्टीप्लाई करने पर ऐसे बी इधर तो साइन चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली ये डिपेंड कर रहा है, तो फिर दो केस कंसीडर किए गए यहाँ पे। जो डिनोमिनेटर में जो आ रहा है लॉग ऑफ टू एक्स माइनस थ्री, थ्री एक्स माइनस वन, इसको एक बार मैंने पॉजिटिव लिया है, अगर ये वाला जो डिनोमिनेटर है अगर ये पॉजिटिव है तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा और आसानी चेक कर पाएंगे इसको आगे। देखो अब थ्री एक्स माइनस वन अगर ये लॉग टू थ्री एक्स माइनस वन अगर पॉजिटिव है तो थ्री एक्स माइनस वन कितना हो जाएगा, टू की पावर जीरो, इधर वन हो गया तो एक्स कितना आएगा, टू बाई थ्री से ग्रेटर। मतलब इस कंडीशन में मैं चेक कर रहा हूँ कि जब एक्स टू बाई थ्री से ग्रेटर होगा तो ये पॉजिटिव होगा, तो इधर सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये इनक्वालिटी कितना बचेगा, ये लॉग ऑफ टू एक्स माइनस टू नेगेटिव, यहां से एक्स लेस देन थ्री आ रहा है। अब इन दोनों का कॉमन पार्ट, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम किस कंडीशन में कर रहे हैं, जब लॉग ऑफ थ्री एक्स माइनस वन टू द बेस टू जब पॉजिटिव है, तो वहां पे एक्स ग्रेटर देन टू बाई थ्री के अंदर ये कंडीशन आ रहा है, तो इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो ये आ रहा है। तो केस वन का जो आंसर है एक्स बिलोंग्स टू टू बाई थ्री से थ्री। अच्छा दूसरा केस कि चलो सपोज कि ये नेगेटिव हो गया, सपोज कि ये नेगेटिव हो गया कि हाँ ये वाला जो डिनोमिनेटर अगर नेगेटिव हो गया तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यहां से दोनों का कॉमन पार्ट कोई नहीं मिलेगा, तो केस सेकंड से कोई हमें सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। अच्छा तो बस x कितना होना चाहिए, 2 बाई थ्री से 3 होना चाहिए, x 2 से ग्रेटर होना चाहिए, 1 बाई थ्री से ग्रेटर होना चाहिए, जितनी भी कंडीशन है उन सबका कॉमन पार्ट लेने के बाद जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2 से 3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली तो मैं लॉग की कुछ प्रॉपर्टी, लॉग की इनक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं बस वो आना चाहिए। अच्छा अब देखो ये क्वेश्चन है, फिर सी टू का एट्थ पार्ट है, एफ एक्स अंडर रूट के अंदर क्या है, कॉस ऑफ एक्स माइनस वन बाई टू, ये अंडर रूट के अंदर है सिक्स प्लस थर्टी फाइव एक्स माइनस सिक्स इंटू टू, सिक्स एक्स स्क्वायर सॉरी, मतलब अंडर रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक आ रहा है, ऊपर अंडर रूट के अंदर कॉस एक्स माइनस हाफ आ रहा है, डोमेन बताना है। तो सिंपल पहले क्या करना है, एक कॉस एक्स हाफ से ग्रेटर होना चाहिए, अंडर रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन आ रहा है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब कॉस एक्स का ग्राफ बनाया और फिर एक हाफ का लाइन बनाया ऐसे, ये वाई इज इक्वल टू हाफ की लाइन है, कॉस एक्स शुड बी ग्रेटर देन हाफ। तो देखो अब कोई भी टू पाई इंटरवल सेलेक्ट कर लो, लेकिन जीरो से टू पाई फिर से अगर सेलेक्ट करोगे तो फिर से दो पार्ट में तुम्हें आंसर लिखना पड़ेगा, दिस टू दिस यूनियन दिस टू दिस। तो अब माइनस पाई से पाई में अगर लिखोगे तो तुम्हें सिर्फ आंसर लिखना ही है माइनस पाई बाई थ्री से लेके पाई बाई, क्योंकि माइनस पाई बाई थ्री से पाई बाई थ्री के बीच में जो ग्राफ आ रहा है वो हाफ से ऊपर आ रहा है, तो फिर से टू एन पाई जनरलाइज करोगे, टू एन पाई एड करके तो फाइनल आंसर आ जाएगा ये, मतलब ऊपर वाली इनक्वालिटी का कॉस एक्स माइनस हाफ से ग्रेटर कब है वो ये। तो न्यूमरेटर में जो फंक्शन है उसका डोमेन आ चुका है, अब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है अंडर रूट के अंदर तो दैट शुड बी पॉजिटिव, जीरो नहीं बोल सकते क्योंकि डिनोमिनेटर। तो अब ये क्वाड्रेटिक को जब तुम सॉल्व करोगे तो वहां से आएगा माइनस वन बाई सिक्स से सिक्स, बस कॉमन पार्ट लेना है। अब देखो माइनस वन बाई से सिक्स क्या है कि एक फाइनाइट इंटरवल है जो माइनस वन बाई सिक्स से लेकर सिक्स तक जा रहा है, बट यहां पे क्या हो रहा है इस वाले पोर्शन में ऊपर वाले में कि यहां पर क्या है कि फिक्स इंटरवल के इनफाइनाइट इंटरवल्स हैं, मतलब जैसे माइनस पाई बाई थ्री से पाई बाई थ्री होगा, फिर फाइव पाई बाई थ्री से लेके सेवन पाई बाई थ्री होगा, ऐसे बहुत सारे इंटरवल आएंगे, तो कौन सा कॉमन पार्ट मिलने वाला है, देखो माइनस वन बाई से सिक्स तो ये वाला हो गया, ये पूरा ओपन इंटरवल में माइनस वन बाई सिक्स से सिक्स। अब देखो यहां पर जैसे एन का वैल्यू अगर तुम जीरो रखते हो तो ये माइनस पाई बाई थ्री से पाई बाई थ्री बन जाएगा, तो माइनस पाई बाई थ्री से लेके पाई बाई थ्री, इसमें जो कॉमन पार्ट आने वाला है इसके साथ वो ये आने वाला है माइनस वन बाई सिक्स से पाई बाई थ्री। अच्छा यहां पे जब एन का वैल्यू वन रखेंगे तो ये आएगा फाइव पाई बाई थ्री से लेके सेवन पाई बाई थ्री, तो यहां पे कुछ एक फिर से कॉमन पार्ट मिल जाएगा माइनस वन बाई सिक्स से सिक्स के साथ, सिक्स के साथ।
तो फाइनली अब इसके बाद जब एन का वैल्यू यहाँ टू रखोगे या फिर थ्री रखोगे या माइनस टू रखोगे माइनस थ्री रखोगे तो वो सारे इंटरवल इधर या फिर इधर आने वाले हैं, तो कोई कॉमन पार्ट मिलेगा ही नहीं। तो फाइनली जब इनका कॉमन पार्ट देखोगे तो ये आंसर है। अच्छा अब देखो अगला, ये सी थ्री का फिफ्थ पार्ट है कि अंडर रूट के अंदर टेन एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स डोमेन। फिर से तो फिर से अंडर रूट के अंदर है, पॉजिटिव होना चाहिए, माइनस से डिवाइड किया तो ये नेगेटिव हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक की तरह जैसे टी स्क्वायर माइनस टी नेगेटिव है तो वो टी 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 इंटू टी माइनस वन, तो इससे यहां से आ जाएगा टेन एक्स कितना आएगा जीरो से वन। तो अल्टीमेटली अब तुम्हें ये चेक करना रह गया कि टेन एक्स कब जीरो से वन के बीच में लाई करेगा। तो टेन एक्स का पीरियड क्या होता है, पाई होता है। तो किसी भी पाई इंटरवेल में चेक कर रहे हो कि टेन एक्स का वैल्यू जीरो से वन कब होता है, तो पहले टेन एक्स का ग्राफ बनाओ। अब इस पर किसी कोई भी पाई इंटरवेल ले लो, जैसे मैंने माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में चेक किया तो ये माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में टेन एक्स का वैल्यू जीरो से वन कब आ रहा है, जीरो से पाई बाय फोर। इस पर्टिकुलर एक्स के लिए ये जीरो से वन वेरी करेगा, तो एक्स कितना होना चाहिए जीरो से पाई बाय फोर, बट यहां पे टेन एक्स का पीरियड कितना होता है पाई, तो बस एन पाई एड कर देंगे बोथ साइड। यहां पे एक्स कितना जा रहा है जीरो से पाई बाय फोर, तो एन पाई एड कर देंगे। यही अगर साइन एक्स कॉस एक्स का क्वेश्चन होता है तो फिर हम टू एन पाई एड करते हैं। देखो अब अंडर वन अपॉन अंडर रूट के अंदर वन माइनस कॉस एक्स, ये क्या है कि अब ये इसकी डोमेन निकालना है तुम्हें। इसका डोमेन कैसे निकलेगा कि अगर ये कब है, वन माइनस कॉस एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ये डिफाइन होगा, क्योंकि अंडर रूट है तो फिर पॉजिटिव होना चाहिए, डिनोमिनेटर तो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो फाइनली कॉस एक्स वन से कम होना चाहिए। तो कॉस एक्स तो वन से कम होता ही है, बट एग्जैक्टली वन भी तो हो सकता है, बट यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कॉस एक्स अगर वन से कम है तो वन से कम तो रहेगा ही, बट कॉस एक्स वन ना हो जाए, बस कॉस एक्स या तो वन होता है या वन से कम होगा वो। तो यहां पे दिक्कत बस ये है कि कॉस एक्स वन होगा तो दिक्कत है, तो कॉस एक्स वन कहां पे होता है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे दिक्कत है, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं। देखिए सी थ्री का एट्थ पार्ट, लॉग ऑफ समथिंग। तो लॉग समथिंग मतलब लॉग कब डिफाइन होता है, जब लॉग ऑफ समथिंग लिखा है, बेस तो डिफाइन ही है, तो ये जो समथिंग है दिस शुड बी पॉजिटिव, और जब इसको तुमने पॉजिटिव बनाया है तो यहां से एक्स आ रहा है टू से थ्री, बेसिक इनक्वालिटी लॉग का। अच्छा अब यहां पे एक और लॉग है, ये वाले लॉग के लिए ये समथिंग है, तो ये समथिंग भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये समथिंग को जब हमने पॉजिटिव चेक किया तो ये तो एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए पॉजिटिव आ रहा है, क्यों, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है सॉरी। तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक का कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है और उसका डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है, इट मींस कि वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो ये एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन तो एक्स बिलोंग्स टू आर है, तो इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो टू से थ्री है। ये अच्छा ये कुछ क्वेश्चन थे जो डोमेन से रिलेटेड है एक्सरसाइज वन में, तो सॉल्व करें, और भी अगर कोई डाउट है तो वो सेंड कर सकते हैं, बट अभी ये फिलहाल मैंने जो मुझे अच्छे लग रहे थे क्वेश्चन वो मैंने सेंड किए। अच्छा कुछ स्टूडेंट को रिलेशन वाले पार्ट में दिक्कत है तो मैं थोड़ा सा फिर से मतलब बताने की कोशिश करो। ए क्या है, एक सेट है ए कॉमा बी, मतलब एक सेट है जिसमें ए और बी एलिमेंट है, सपोज बी एक सेट है जिसमें वन और टू एलिमेंट है। तो ए क्रॉस बी का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है सेट का, मतलब ए वन से रिलेटेड है, ए टू से रिलेटेड है, बी वन से रिलेटेड है, बी टू से रिलेटेड है, हर ऑर्डर्ड पेयर आएगा, मतलब ईच एलिमेंट ऑफ ए रिलेट हो जाएगा ईच एलिमेंट ऑफ बी से, तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बनने वाले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे यहां पर टू है, यहां पर टू एलिमेंट है तो चार हो गए, मतलब अगर इस एलिमेंट में अगर थ्री एलिमेंट है, इसमें सिक्स एलिमेंट है तो थ्री इंटू सिक्स हो जाएगा, मतलब एक सेट में अगर एम एलिमेंट है दूसरे में एन एलिमेंट है तो टोटल ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे एम इंटू एन। तो अब जैसे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में ये चार ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, तो इसका कोई भी एक सबसेट, एनी सबसेट, टू की पावर फोर सबसेट आएंगे, तो उसमें से कोई भी एक सबसेट क्या हो जाएगा, एक रिलेशन हो जाएगा जिसको हम आर ए टू बी रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो यहां पे क्या है कि जैसे कोई रिलेशन सपोज कि किसी सेट ए में डिफाइन है, तो इसका मतलब वो ए टू ए में डिफाइन है। सेट कैसे डिफाइन होता है, जैसे हम बोलते हैं कि रिलेशन कैसे डिफाइन होता है, रिलेशन आर ए टू बी, अगर सपोज कभी ए टू ए भी डिफाइन हो सकता है तो उसको कितना, वो कैसे बोला जाएगा, मतलब रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट ए, इट मीन्स रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। तो सपोज ए कोई सेट है वन टू थ्री और वो डिफाइन है ए क्रॉस ए में, कोई रिलेशन डिफाइन है, तो ए क्रॉस ए में जैसे ए थ्री एलिमेंट है, ए में भी थ्री एलिमेंट है, थ्री इंटू थ्री नाइन हो गया, तो ए क्रॉस ए में टोटल नाइन ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, तुम बना सकते हो। अब जैसे मैंने इसका कोई भी सबसेट ले लिया, इस नाइन एलिमेंट में से मैंने कोई भी एक सबसेट ले लिया, जैसे ये आ रहा है,
वन वन टू टू थ्री थ्री, इस नाइन एलिमेंट में ये तीन भी रहे होंगे। तो ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, जिसमें मतलब रिलेशन किसमें डिफाइन है, सेट ए में डिफाइन है, तो उसके ईच एलिमेंट का रिलेशन खुद का खुद से होना चाहिए। जैसे वन का रिलेशन वन से होना चाहिए, टू का रिलेशन टू से होना चाहिए, थ्री का रिलेशन थ्री से होना चाहिए, और एग्जैक्टली इतना ही होना चाहिए। अब इसके अलावा भी कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, अब देखो जैसे मैंने कोई एक दूसरा एग्जाम्पल लिया, जैसे इस नाइन ऑर्डर्ड पेयर में से मैंने ये वाला सबसेट निकाला, तो ये वाला एक रिलेशन है। अब ये किस टाइप का रिलेशन है, आइडेंटिटी नहीं बोलेंगे क्योंकि खुद का खुद से है, बट इसमें एक्स्ट्रा भी है तो एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। अब ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि खुद का खुद से होना चाहिए, अगर एक्स्ट्रा भी है तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैं कुछ एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैंने इसका नाइन एलिमेंट में से, ये नाइन ऑर्डर पेयर में से मैंने ये वाला सबसेट लिया, सपोज वन का वन, टू का टू, थ्री का थ्री, टू का थ्री, थ्री का टू। तो ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। सिमेट्रिक रिलेशन ये कहता है कि अगर मुझे किसी भी रिलेशन में अगर टू का थ्री से दिखाई दे रहा है तो थ्री का टू से भी दिखाई देना चाहिए। मतलब ए का रिलेशन अगर बी से है तो बी का फिर सी से भी होना चाहिए, तब वो जाके सिमेट्रिक होगा। अच्छा, अगर हो सकता है इसमें कुछ और भी होता, जैसे मतलब वन का थ्री से होता तो फिर थ्री का भी वन से होना चाहिए। एक भी अगर रिलेशन ऐसा है कि ए से बी से है बट बी का ए से नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। अच्छा, ट्रांजिटिव क्या होता है कि ए का बी से है, बी का सी से है, तो फिर ए का सी से होना चाहिए। और ऐसा हर मतलब अगर ए से बी तुम्हें दिखाई दे रहा है, बी से सी दिखाई दे रहा है, तो फिर ए से सी दिखाई देना चाहिए। देखो जैसे यहां पे वन, जैसे मैंने नाइन एलिमेंट में से, ये जो नाइन एलिमेंट्स है इसमें से मैंने ये वाला सबसेट यूज कर रहा हूं, मैं भी वन टू टू थ्री वन थ्री ये वाला सबसेट मैंने निकाला उसमें से, तो ये भी एक रिलेशन होगा। तो वन का टू से है, टू का थ्री से है, देन वन का थ्री से होना चाहिए, तो है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव। अच्छा, वन का टू से है और टू का किसी और से है, तब मैं चेक करूंगा कि वन का उससे होना चाहिए कि नहीं। जैसे देखो एक एग्जांपल मैंने लिया कि इस नाइन ऑर्डर्ड पेयर में से मैंने ये वाला एक सिंपल एक वन कोमा टू, ये केवल ये वाला मतलब सबसेट लिया, तो ये भी एक रिलेशन होगा। तो वन का टू से है, ऑब्वियस है, टू का किसी और से है, नहीं है, तो फिर वन का भी किसी और से नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव है। यहां कंफ्यूजन होता है बच्चे को, वन का टू से है तो वो कहता है टू का तो थ्री से है ही नहीं, तो फिर वो ट्रांजिटिव नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, वन का टू से है बट टू का थ्री से है, मतलब वन का टू से है, टू का किसी और से है, तब हम चेक करेंगे कि वन का किसी और से है कि नहीं। वन का टू से है, टू का किसी से भी नहीं है, तो वन का भी किसी से नहीं है, ऐसे सोचेंगे तो फिर इसको ट्रांजिटिव कंसिडर किया जाए। ओके, थैंक यू।